नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए सफ़र में स्वागत है। ये सफ़र होगा द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ का। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करें। रात 8:30 बजे मेरा सफ़र शुरू होता है मुंबई से। मैंने मुंबई से डायरेक्ट द्वारका के लिए ट्रेन बुक की हुई थी और ओवरनाइट ट्रैवल करके मैं द्वारका स्टेशन पहुंच गया। द्वारका स्टेशन से मैं निकल पड़ा द्वारका मंदिर की ओर, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे था और उसके नियर बाय ही हमने ये स्टे ले लिया था वहाँ पे गोवड़िया धाम करके। यहाँ से आगे जाएंगे आप तो रिसेप्शन एरिया आएगा, वहाँ पे वो लोग बैठे रहते हैं, उनसे बात करके बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। रूम से फ्रेश वगैरह होके हम लोग शाम को 5 बजे दर्शन के लिए गए और दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक मंदिर बंद होता है और मंदिर के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो जो भी वीडियोस हम लोग ने शूट किए वो सारे बाहर से ही किए। दर्शन करके बाहर आने के बाद हम लोगों ने मार्केट एरिया को एक्सप्लोर किया और उसके बाद अब समय हो चला था कुछ खाने का, तो हम लोग ने यहाँ पे लोकल फूड ट्राई किया, यहाँ का स्नैक्स। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े वटकेश्वर महादेव मंदिर की ओर और वहीं हम लोग ने अपने पहले दिन को एंड किया। हमारी डे टू की शुरुआत हुई 8:00 बजे। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े सुदामा सेतु की ओर, क्योंकि वहाँ से हमको पूरे दिन के लिए रिक्शा हायर करनी थी। तो सबसे पहले हम लोग ने विजिट किया रुक्मिणी मंदिर, जो कि हमारा दिन का पहला स्पॉट था। रुक्मिणी मंदिर के बाद हम लोग आ गए नागेश्वर धाम। रुक्मिणी मंदिर से नागेश्वर धाम का डिस्टेंस 14-15 किलोमीटर्स है और आधे घंटे के अंदर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। नागेश्वर मंदिर के बाद हम लोग निकल पड़े गोपी तालाब की ओर, जो कि हमारा दिन का तीसरा स्पॉट था। गोपी तालाब विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने दिन के फाइनल स्पॉट की तरफ, बेट द्वारका। बेट द्वारका जाने के लिए पहले हमें आना पड़ता है ओखा पोर्ट। ओखा पोर्ट से फिर हम फेरी बुक करते हैं और विद इन 10 मिनट्स हम लोग बेट द्वारका पहुंच जाते हैं। हम लोग बेट द्वारका में आ गए थे और बेट द्वारका से विद इन 10 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे द्वारकाधीश जी का मेन टेम्पल था, तो सबसे पहले हम लोग ने वहाँ पे विजिट किया। यहाँ पे माना जाता है कि जो मंदिर यहाँ पे है वो उनका रेजिडेंशियल प्लेस था और जो मंदिर हम लोग ने द्वारका में विजिट किया वो उनका ऑफिशियल प्लेस था। मंदिर में विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हनुमान दंडी मंदिर की ओर, जो कि बेट द्वारका से 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे, और ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी और उनके पुत्र का मंदिर एक साथ है। अभी आप सोच रहे होंगे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कैसे आया, पर अगर आपको रामायण पता होगा तो आपको ये स्टोरी मालूम होगी कि उनका एक पुत्र था जो कि उनके टपके हुए पसीने से पैदा हुआ था, मकरध्वज। तो
तो ये मंदिर उन्हीं को डेडिकेटेड है। हनुमान दांडी विजिट करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे गोल्डन द्वारका मंदिर को विजिट किया और ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे पूरा कृष्ण भगवान के लाइफ में क्या क्या हुआ था वो पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे हमारा द्वारका और नागेश्वर का सफ़र ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग निकल पड़े सोमनाथ के लिए। सोमनाथ जाने के लिए हम लोग ने ओवरनाइट ट्रेन ली थी ओखा से और हम लोग ने अपनी जर्नी मैच देखते देखते स्टार्ट की और ओवरनाइट ट्रैवल करके हम लोग पहुँच गए वेरावल स्टेशन। वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर का डिस्टेंस 8-10 किलोमीटर्स है, तो उसके लिए हम लोग ने एक रिक्शा हायर की और पहुंच गए यहाँ पे सोमनाथ मंदिर की ओर। सोमनाथ मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है और मंदिर के अंदर यहाँ पे कोई भी बैग या मोबाइल या लेदर प्रोडक्ट्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अब बाहर सारी चीज़ें हम लोग ने डिपॉजिट की और उसके बाद दर्शन करके हम लोग बाहर आए। दर्शन करके बाहर आने के बाद हम लोग ने ये जो भी शूट किया है सारा मंदिर के बाहर से ही किया है। बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के बाद हमारी ट्रिप यहीं पे एंड होती है। इसके बाद हम लोग वापस वेरावल स्टेशन की तरफ गए। मॉर्निंग 11 AM की हमारी वहाँ से ट्रेन थी टुवर्ड्स मुंबई।